Hello everyone, welcome to class number 87 of the chapter प्रोग्रामिंग यूजिंग सी तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में तो आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉइंटर्स के डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट यूजेस के बारे में तो वहां पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी एक, एक एप्लीकेशन या फिर एक यूज था पॉइंटर का जहां पे हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं ओके? Okay? इसके अलावा और कहां -कहां पे हम को यूज करते हैं पॉइंटर तो उसके साथ साथ एरे में जो एलिमेंट्स हैं एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी हम वहां पे पॉइंटर्स को यूज करते हैं उसके साथ साथ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए भी हम यूज करते हैं पॉइंटर्स को ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो आज हम देखेंगे ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं ओके तो चलिए शुरू करते हैं तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में जानने से पहले फर्स्ट हमें यह जानना है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हम किस तरह के मेमोरी एलोकेशन को बोलते हैं ओके ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एक प्रोसेस प्रोसेस है में हम मेमोरी एलोकेट करते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं इफ वी आर एलोकेटिंग सम मेमोरी फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम ड्यूरिंग कंपाइल टाइम then this type of or this type of memory allocation is called static memory allocation. The process of allocating memory during compile time is called static memory allocation. जैसे कि हम वैरिएबल के बारे में पढ़ते वक्त वहाँ पे हमने पढ़ा था static initialization, dynamic initialization. Static initialization किसको बोलते थे कि अगर हम हमारे प्रोग्राम में आ, अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं जो वैल्यू की रन टाइम में और चेंज नहीं हो सकता मतलब अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल को कंपाइल टाइम में ही कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं या फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते थे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करते थे या फिर इनिशियलाइजेशन वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रोवाइड करते थे तो उसको बोला जाता था डायनामिक इनिशियलाइजेशन वैसे ही स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किसको बोलते हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर जितना भी वेरिएबल यूज किया है हर एक वेरिएबल के लिए अगर हमने वहां पे मेमोरी एलोकेट कर लिया है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले तो उस तरह के मेमोरी एलोकेशन को बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ओके okay, वही लिखा है इफ वी आर एलोकेटिंग मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइल टाइम प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको जब हम कंपाइल करते हैं एग्जीक्यूट करने से पहले तब अगर मेमोरी हम एलोकेट करते हैं तो उस तरह के मेमोरी एलोकेशन को हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ओके पता चल गया स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हमें यह पता चला कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस वक्त हम जो मेमोरी एलोकेट करते हैं उस मेमोरी एलोकेशन को बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ओके तो अगर हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो वहां पे वो जो मेमोरी है वो मेमोरी हमारा क्या होता है फिक्स्ड रहता है ओके okay. ना ही उस मेमोरी को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त हम इंक्रीज कर सकते हैं ना जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिया है एक एरे तो एरे का साइज मैंने यहाँ पे दिया है फाइव मतलब मैंने प्रोग्राम के अंदर ही ये डिफाइन कर लिया है कि ये पर्टिकुलर एरे मैंने जो यूज किया है ये एरे कितना वैल्यू का साइज रिजर्व करेगा इस तरह के मेमोरी एलोकेशन को हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब यहाँ पे मैंने एरे का साइज दे दिया है फाइव मतलब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ही बता दिया है कि मुझे एरे के लिए कितना टू वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी एलोकेट करना है ओके okay. जिसके वजह से ये जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसी तो पांच वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे जितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए जितना भी मेमोरी चाहिए वो मेमोरी क्या करेगा वो पहले से एलोकेट कर लेगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही एलोकेट कर लेगा जिसके वजह से यहाँ पे अगर मैं मेमोरी एलोकेट किया हूँ पांच वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए बट अगर वहां पे मैं तीन वैल्यू स्टोर करता हूँ तो बाकी जो दो मेमोरी मैंने ऑलरेडी एलोकेट कर लिया है वो मेमोरी क्या होगा वेस्ट हो जाएगा ओके या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मैंने पांच मेमोरी एलोकेट किया है बट मुझे सपोज सात वैल्यू स्टोर करने हैं तो और दो वैल्यू कहां पे स्टोर करूंगा क्योंकि मैंने तो एलोकेट किया है मेमोरी सिर्फ पांच वैल्यू के लिए तो वहां पे भी दिक्कत आएगा तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि अगर हम स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम में अगर हम पहले से ही कर लेते हैं, तो वहां पे ना ही हम मेमोरी के मेमोरी सकते हैं और जिसके वजह से क्या होता है प्रॉब्लम्स आते हैं प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं ओके okay, अगर हमें रिक्वायरमेंट से कम वैल्यू स्टोर करना है तो जो मेमोरी हमने एलोकेट किया है वेस्ट हो जाएगा अगर हमें रिक्वायरमेंट से ज्यादा डाटा स्टोर करना होगा तो वहां पे जितना हमने मेमोरी एलोकेट किया है उससे ज्यादा डाटा है तो डाटा क्रैश हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में तो पता चल गया स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हम किस तरह के मेमोरी एलोकेशन को बोलते हैं तो अभी देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ओके तो अगर हम मेमोरी एलोकेट करते हैं रे हम ले रहे हैं जैसे कि हमने एरे का एग्जाम्पल देखा तो यह, यहाँ पे जैसे कि मैंने एरे, एरे का एग्जाम्पल देखा तो देते हैं तो एरे का साइज अगर हम पहले से ही प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो इसका मतलब क्या जब प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे उस वक्त वो क्या करेगा एरे के हिसाब से वो साइज रिजर्व कर लेगा या फिर मेमोरी एलोकेट कर लेगा हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ओके

एरे को डिक्लियर करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो साइज जबकि जब हम ना ही इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त तो अगर हमें रिक्वायरमेंट से कम डाटा स्टोर करेंगे तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगा रिक्वायरमेंट से ज्यादा अगर डाटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या होगा सिस्टम क्रैश हो जाएगा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा ओके इफ द वैल्यूज स्टोर्ड बाय द यूजर इन द एरे एट रन टाइम इज लेस देन द साइज स्पेसिफाइड देन

एरे के साइज से अगर एरे का साइज जितना जितना है वो वैल्यू स्टोर करके रख सकता है बाकी डाटा बाकी वैल्यू को तो स्टोर करके नहीं रख सकता तो वहां पे क्या होने की चांसेस है मे भी हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है या फिर हमारा प्रोग्राम इन अप्रोप्रिएट वे में काम कर सकता है सेकेंड पॉइंट इफ

फिर निकला डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ओके तो मेमोरी एलोकेशन में हम क्या करते कर एलोकेट कर लेते थे जिसके वजह से रन टाइम में यूजर वैल्यू अगर इनपुट करता था तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कम वैल्यू इनपुट करता था तो मेमोरी वेस्ट हो जाता था रिक्वायरमेंट से अगर ज्यादा वैल्यू इनपुट कर लेता था तो उसका उतना स्टोरेज करने का कैपेसिटी नहीं था जिसके वजह से प्रोग्राम क्रैश हो जाता था या फिर इनएप्रोप्रिएट वे में काम करता था तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर निकला डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस तरह के मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में

प्रॉब्लम ऑकर होता था तो अगर हम कंपाइल करते वक्त मेमोरी एलोकेट ना करके, अगर हम प्रोग्राम को तो सॉल्व करने के लिए निकला डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जिस तरह के मेमोरी एलोकेशन में हम क्या करते हैं मेमोरी एलोकेट करते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए कब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस वक्त ओके? वही लिखा है इफ वी आर एलोकेटिंग मेमोरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ और ड्यूरिंग प्रोग्राम को रन करते करते वक्त करते वक्त प्रोग्राम को अगर हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उस तरह के मेमोरी एलोकेशन मेथड या फिर प्रोसेस को हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ओके स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हम कब किसको बोलते हैं कंपाइल टाइम में अगर हम मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको बोलते हैं ट करते, करते हैं उसको हम बोलेंगे okay. तो जैसे कि हमें पता है एरे को हम जो यूज करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए और एरे का साइज जबकि फिक्स होता है कि हम फिक्स नंबर ऑफ डाटा ही क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं एरे को यूज करके ओके एरे का साइज हमें प्रोग्राम के अंदर से ही प्रोवाइड करना पड़ता है तो एरे का साइज अगर मैंने दिया है मतलब ये हमें अलाउ करेगा मैक्सिमम तो मैक्सिमम टू वैल्यूज ही स्टोर करके रखने के लिए और एरे का साइज अगर हम एक बार प्रोग्राम के अंदर एरे को डिक्लेयर करते वक्त दे देते हैं तो उसका साइज और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त हम चेंज नहीं कर सकते ओके उसका साइज जो है वो फिक्स रह जाता है वो साइज और चेंज नहीं हो पाता

उसके बाद सी प्रोग्राम में हमें और एक फैसिलिटी मिला जहां पे हम क्या कर सकते हैं मैनुअली डायनेमिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं जिस मेमोरी एलोकेट करके हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सेस कर सकते हैं है तो है? जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए निकला डायनामिक मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में जबकि हम कंपाइल टाइम में प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त जबकि हम मेमोरी एलोकेट कर लेते थे तो एग्जीक्यूट करते वक्त अगर हम कम या ज्यादा वैल्यू इंसर्ट कर लेते थे तो वहां पे प्रॉब्लम ऑकर होता था तो वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस एक ही सॉल्यूशन था कि हम जो कंपाइल टाइम में मेमोरी एलोकेट करते थे कंपाइल टाइम में मेमोरी एलोकेट ना करके अगर हम प्रोग्राम को जहां पे जिस वक्त हम वैल्यू इनपुट करते हैं उसी वक्त ही अगर हम मेमोरी एलोकेट करें तो वो ज्यादा बेटर होगा मतलब एग्जीक्यूशन के वक्त अगर हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन के वक्त ही अगर हम मेमोरी एलोकेट करें जितना भी वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उन वैल्यूज के लिए तो उस तरह के मेमोरी एलोकेशन को हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जिसके वजह से ना ही हमारा मेमोरी एलोकेशन का शॉर्टेज होगा ना ही मेमोरी एलोकेशन का वेस्टेज होगा ओके समझ आ गया तो अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त डायनेमिकली अगर हम मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए हमारे प्रोग्राम में हमने जो वेरिएबल्स यूज़ किया है उन वेरिएबल्स के लिए अगर हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या फिर हमारा सी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है कुछ इन बिल्ट फॉन्क्शन कुछ इन फॉन्क्शन और कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी Functions. Functions को करके हम क्या कर सकते हैं है या फिर हम डी एलोकेट भी कर सकते हैं एलोकेट एंड एलोकेट मतलब क्या मेमोरी मतलब रिजर्व करना डी एलोकेट मतलब क्या अगर हमें मेमोरी नहीं चाहिए तो उस मेमोरी को हम फ्री कर देंगे क्यों बेकार उसको रिजर्व करके वेस्ट करेंगे उसको बाकी किसको यूज करने के लिए छोड़ देंगे फ्री करेंगे तो मेमोरी को जो हमने लोकेट किया था एलोकेट किया था उसको अगर हम फ्री करते हैं उसको बोलते हैं डी एलोकेशन ओके इतना समझ आ गया स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आए जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की जरूरत पड़ी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम किसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करके अगर हम डायनामिकली प्रोग्राम को करते वक्त मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं मेमोरी डी एलोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है कुछ बिल्ट इन या फिर कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस जो फंक्शंस को हम यूज करके क्या कर सकते हैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं डी एलोकेट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए ओके okay. तो डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करने के लिए डी एलोकेट करने के लिए जो फंक्शंस, जो बिल्टिन फंक्शंस हम यूज करते हैं वो बिल्टिन फंक्शंस क्या है मेलॉक कैलॉक रीअलॉक फ्री तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं जिसको यूज करके हम हमारे सी प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं डायनामिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं ओके okay. तो यहाँ पे हमने ये देखा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मतलब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस वक्त अगर हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो जो भी मेमोरी हम एलोकेट करते हैं उन मेमोरी को हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमने जो भी मेमोरी एलोकेट किया है उन मेमोरी स्पेस को रिजर्व हमने जो किया है उन मेमोरी स्पेस को यूज करने के लिए हमारे प्रोग्राम में हमें यहाँ पे जरूरत पड़ता है पॉइंटर का विदाउट पॉइंटर वी कैन नॉट एक्सेस दो स्पेस विच इज एलोकेटेड ड्यूरिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ओके सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मेथड यूज करके अगर हम कुछ मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं प्रोग्राम करते वक्त तो उन मेमोरी स्पेसेस को एक्सेस करने के लिए यूज करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ता है पॉइंटर का विदाउट पॉइंट एक्सेस दो स्पेसेस विच आर एलोकेटेड बाई यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मैथड ओके प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डायमिक मेमोरी एलोकेशन डायनाशन में का एक रहता है क्योंकि अगर हम कर ले रहे हैं और उन मेमोरी को अगर हम यूज ही नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है तो अगर हम कोई भी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मैथड यूज करके उन मेमोरीज को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करके कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पॉइंटर का ओके okay?

डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करके अगर हम कुछ मेमोरी एलोकेट करते हैं उन मेमोरीज को अगर हम हमारे प्रोग्राम में एक्सेस करना चाहते हैं यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पॉइंटर की ओके समझ आ गया कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू